जिन लोगों ने देश में जातियों का निर्माण किया, उन लोगों ने बड़े सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि भारत के संविधान भी होते हुए वो लोग रिजर्वेशन आसानी से खत्म नहीं कर सकते। वो लोग स्कूलों में दोबारा से हमारे प्रवेश पर बंदिश नहीं लगा सकते थे, और हमारी जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई वो केवल स्कूलों में पढ़ने से जो ज्ञान मिला और रिजर्वेशन से जो नौकरियां मिली, उससे थोड़ी बहुत तरक्की हमारे जीवन में आ पाई। लेकिन उन्होंने अब से लगभग 40-45 साल पहले पब्लिक स्कूल खोलना शुरू किया, और एक के बाद एक पब्लिक स्कूल खोलते चले गए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करते चले गए। हालात यह हो गए कि सरकारी स्कूल में टीचर्स का अभाव, क्लास के अंदर टीचर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है, वो बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे। इस वजह से हमारा सरकारी स्कूलों का स्तर गिरता चला गया और पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आ गई। तो पब्लिक स्कूल में फीस देखिए, फी का स्ट्रक्चर देखिए, अगर आज के डेट में दिल्ली के अंदर हम सरकारी वो पब्लिक स्कूल जो मिडिल दर्जे के हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, अगर मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूलों की बात करें तो एक बच्चे की फी, प्रति महीने की फीस, किताबें, वर्दी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ अगर जोड़ ले तो एक बच्चे पे 8 से 10 हजार रुपया मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई, केवल पढ़ाई पे खर्च होगा। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे मान लें तो 15 से 20 हजार रुपया तो केवल 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। हारी बीमारी और घर का खाना खर्चा, बिजली, ये सब अलग। हमारे तो 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 20,000 रुपया नहीं है, तो इन 99% लोगों के भविष्य का क्या होगा।